आज का ये वीडियो मेरा पाइवोट टेबल से रिलेटेड होने वाला है। यहाँ हम एक पाइवोट टेबल की एक कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर एक डेटा दिया गया है और इस डेटा से ही रिलेटेड ये पाइवोट टेबल यहाँ पर मेरी बनी हुई है। यहाँ से मैं डेटा को आप चाहें तो फिल्टर करते हैं, हमने यहाँ पर फिल्टर कराया और मुझे यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर कोई भी नई एंट्री करता हूँ अपनी रिकॉर्ड में, तो उस कंडीशन में वो डेटा मेरा पाइवोट टेबल में रिप्रेजेंट नहीं होता। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूं तो भी वो डेटा मेरा यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। अब इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली करना क्या होगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला टैब पर नेम मैनेजर पर जाते हैं और नेम मैनेजर पर जितने भी मैनेजर नेम मैनेजर्स हमारे बने हुए हैं इनको हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। इसके बाद हम न्यू पर जाएंगे और न्यू पर हम अपनी टेबल के लिए कोई भी नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है रेंज। इसके बाद यहाँ पर रेफर्स टू में हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होगा हमारा ऑफसेट। ऑफसेट फार्मूला ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट सेल जहाँ हमारा नेम लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद तीन बार आपको कॉमा पुट करना है। इसके बाद आपको फंक्शन लगाना है काउंट ए। काउंट ए में पूरा कॉलम सेलेक्ट करिएगा, हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाना है और फिर से हम यहाँ ओपन करेंगे काउंट ए फंक्शन और काउंट ए फंक्शन में हम फर्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डबल ब्रैकेट क्लोज करना है आपको और इसको ओके कर देना है। तो जो आपने नेम प्रोवाइड करा है वो नेम यहाँ पर सेव हो गया है। अब हमें दोबारा से पाइवोट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए वापस इंसर्ट पर जाकर पाइवोट पर क्लिक करेंगे और जो आपका टेबल को सेलेक्ट करने के लिए रेंज ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको करना है F3। F3 करने से जो आपने नेम डिसाइड करा था वो ओपन होगा। यहाँ से उस नेम को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। इसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर जो लोकेशन है हमारी वो हमें यहाँ हाईलाइट हो रही है, इस पर जाकर हमें ओके करना है। तो यहाँ पर देखिए पाइवोट टेबल का ऑप्शन आ चुका है। अब जो हमारी रेफरेंस वैल्यूज़ थी हम दोनों को ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पर सिमिलरली डेटा हमारा रिप्रेजेंट हुआ है। अब हम इस नए डेटा में यानी हमारा जो डेटा बना है उसमें पुराने डेटा में हम अपना कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं। रिकॉर्ड ऐड करने के बाद जैसे ही आप नए वाली पाइवोट टेबल पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड एंट्री वहाँ शो हो रही है। मैं दोबारा से एक बार करता हूँ, मैंने साउथ लिखा है फिर से यहाँ पर और मैंने यहाँ पर 1200 करा और जैसे ही आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद वो टोटल अपडेट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना